हेलो गाइस, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का रिव्यू लेके आई हूँ। ये वर्जिस का एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल है और इसे आप ड्रेसिंग में यूज़ कर सकते हैं सैलेड वगैरह के। और ये इनटेक करने के लिए हमारे स्टोमक को काफ़ी अच्छा और हेल्दियर फील कराता है। और आपको अच्छी तरीके से पता होता होगा कि ऑलिव ऑयल हमारे लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये ऑयल मैंने लिया है, एक मंथ से ज़्यादा हो गया है और मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। ये 1 लीटर का पैक है, आप देख सकते हैं इतना ये खाली हो चुका है। और मैं इसका किस प्रकार से यूज़ करती हूँ और किस किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बताऊंगी। और ये है 1 लीटर का और इसकी कॉस्ट पड़ी है मुझे 1400 रुपीज़। और ये ऑयल मैंने पहले भी यूज़ किया था, इसका मैंने स्मॉलर बॉटल लिया था। जब मुझे ये बेनिफिशियल लगा तो नेक्स्ट टाइम मैंने दोबारा से इसको लिया है। और मैं इसको ऑयल पुलिंग के लिए मोस्टली यूज़ करती हूँ और इसका जो फ्लेवर है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप जब इससे ऑयल पुलिंग करेंगे तो आप काफ़ी फ्रेशनेस फील करेंगे अपने माउथ में, आपके गम्स के लिए, आपके टिप के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप ऑयल पुलिंग करें इसके लिए आपको क्या करना है, 1 स्पून जो है आपको ऑलिव ऑयल लेना है और उस ऑलिव ऑयल को अपने मुंह के अंदर भरना है और उसके बाद अपने माउथ के अंदर लेने के बाद आपके माउथ में जो है आपको सर्कुलर मूवमेंट में ऑयल को घुमाना है एंड रोटेट करना है एज वेल एज़ पॉसिबल, जब तक आप इसे कर सकते हैं। मच बेटर है कि आप मिनिमम 5 मिनट से लेके 10 to 20 मिनट तक कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि 20 मिनट तक कर पाना इतना आसान होता है, बिकॉज़ आपके फेशियल मूवमेंट होते हैं उसमें एक्सरसाइज होती है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और उससे आपके टिप एंड गम्स के साथ साथ ही आपकी स्किन को भी अंदर से रिपेयर करता है ताकि रिंकल्स और फाइन लाइन इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स ना आए और आप फेस ना करें। और इसको मैंने रेगुलरली यूज़ किया है और इससे मुझे काफ़ी हेल्थ बेनिफिट मिला है एंड ब्यूटी आल्सो। एंड आप इसे सैलेड वगैरह आप प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आप ड्रेसिंग के तौर पर इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं और इसे आप अपने फैमिली के साथ भी खा सकते हैं। पूरी फैमिली आपको इसके टेस्ट को बहुत ही इंजॉय के साथ लेगी और उसे बहुत ही अच्छा फील होगा और हेल्थ बेनिफिट भी मिलेगा। बस इसमें मुझे एक चीज़ बुरी लगती है, वो ये है कि इसका जो ये बॉटल है वो जो है ग्लास का है, तो इसलिए मतलब बुरी तो खैर क्या कहेंगे, एक्चुअल में ऐसा है कि जो कांच में जो चीज़ होती है वो ज़्यादा अच्छी रहती है हेल्दियर वे में। अब प्लास्टिक इतने ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं तो हम कांच को भूल गए हैं, बट ये थोड़ा सा मतलब इसको संभाल के रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहीं आपके हाथ से गिर जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और इससे आपका लॉस भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा आपको केयरफुली रखना पड़ेगा। और बाकी इसके जो हेल्थ बेनिफिट हैं जितना भी बताया जाए कम है। और इसका आप हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी प्रकार से अपने हेड मसाज में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप 1 स्पून आप ऑलिव ऑयल ले लीजिए और देन 1 विटामिन ई कैप्सूल उसके अंदर ऐड कीजिए और डबल स्टीम करिए इसको जब हल्का वार्म हो जाए। आप हमेशा याद रखिए कि इसे डायरेक्टली गैस पे बिल्कुल ना ले जाएं, क्योंकि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, अगर हम डायरेक्टली जो है इसको हीट में ले जाते हैं तो ये इसके बेनिफिट जो है वो कम हो जाते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना, मेथड ये है कि एक पॉट ले लीजिए, उसमें पॉट में आप हाफ उस पॉट को फिल कर लीजिए वाटर से एंड देन जब वो वार्म होने लगे उसके बीच में आप कटोरी में ये ऑयल ले और उसके बाद आप उसको हल्का सा हीट होने तक रखें और उसके बाद देन आप अप्लाई करें अपने हेड में और हेड मसाज लें। आप बहुत अच्छा रिलीफ फील करेंगे एंड
सी द डिफरेंस विद इन वन वीक आप देख लीजिए रिजल्ट आपके सामने होगा। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है उस प्रकार की प्रॉब्लम से भी आपको ये छुटकारा देगा। और अगर आप लॉन्ग हेयर और हेल्दी हेयर के लिए बहुत टाइम से बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ कर करके थक चुके हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार इसका ज़रूर यूज़ करें और अप्लाई करके देखें क्या आपको फ़ायदे होते हैं। एंड सेकेंड है, इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे आपके फेस पे। हमने ऑयल पुलिंग तो किया है, इससे इंटरनली जो मसल्स हैं फेस के वो बहुत ही अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं और ब्लड फ्लो हमारी स्किन में अच्छे प्रकार से होने लगते हैं। और आपको अगर बहुत ज़्यादा प्री मेच्योर रिंकल्स की प्रॉब्लम आ रही है, एक ब्यूटी टिप्स और हैं मेरे पास आप लोगों के लिए। आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू योर फेस आप एक बार बना के भी इसको रख सकते हैं एज अ सीरम। आप वन स्पून इस ऑयल को ले ले और देन उसके भी साथ में आपको लेना है वन विटामिन ई कैप्सूल एंड थोड़ा सा आपको टू ड्रॉप्स आपको लेमन जूस लेना है। और इन तीनों चीज़ों को अच्छे प्रकार से शेक करें एंड एक छोटे से बॉटल में रखें और आपके रात का जो रूटीन है उसमें आपको इसे यूज़ कर लेना है। आपको पहले एक अच्छे क्लींजर से अपने फेस को साफ़ करना है, देन यू अप्लाई दिस सीरम एंड मसाज जेंटली। और आपको क्या करना है, इसे कंटिन्यूसली वन वीक तक यूज़ करके देखना है कि आपके फेस में कैसी ग्लोइंग और शाइनिंग को आगे बढ़ाता है। और इससे आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे एंड आप आपके आई एरिया में भी अच्छे से मसाज करें एंड नेक एरिया आल्सो, बिकॉज नेक एरिया सबसे पहले रिंकल्स लेके आते हैं और हमें ज़्यादा एज का दिखाता है। सो गाइस, डोंट फॉरगेट योर नेक एंड आई एरिया और इसे अप्लाई करें और ये आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देगा। मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। और ये जो है एंटी एजिंग होता है, आप इसे इंटरनली अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। और ये जो ऑयल है इसका एक यूज़ ये भी है, आप इसे बॉडी ऑयल की तौर पर भी अपने फुल बॉडी में क्योंकि बिकॉज़ हम लोगों को एवरी डे इतना टाइम नहीं हो पाता है कि हम बॉडी मसाज करें और जो बॉडी जो पॉलिशिंग वगैरह का ट्रीटमेंट जो करवाना होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है ट्रीटमेंट और हर किसी के बजट में नहीं होता और उसमें काफ़ी सारा केमिकल भी यूज़ होता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी आप ये जो सीरम अभी बनाया था इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं और उसी प्रकार से जो डबल बॉइलिंग जो मेथड था आप इसको न्यू वॉर्म करें और उसके बाद आप एक बार न्यू वॉर्म वाटर से अपने बॉडी को एक्सफोलिएट करें एंड देन अप्लाई योर ऑल बॉडी पार्ट्स एंड मसाज जेंटली। और उसके बाद आप कोल्ड वाटर से आप नहा लें, जो नॉर्मल वाटर है उससे आप देखेंगे आपकी स्किन जो है बिल्कुल रेजुविनेट होगी और आपकी स्किन में रिंकल्स नहीं आएंगे और जो है आपकी स्किन ग्लॉसी फील करेगी। और आप कैसा फील करेंगे आप ये खुद ही महसूस करेंगे कि आपकी स्किन कितनी सॉफ्टर होती है। और गाइस, आप इसे अप्लाई कीजिए एंड सी द डिफरेंस और मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें आपको इसमें से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा लगा आपके स्किन हेयर और हेल्थ में से। और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। मिलते हैं नए किसी और प्रोडक्ट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, स्टे हेल्दी एट होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।